नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लोकसभा में बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष ओम बिरला और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अभिषेक बनर्जी ने सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहा कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए, मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। दरअसल अभिषेक बनर्जी अपने भाषण में शुरू से ही सरकार पर हमलावर रहे और उन्होंने तीखे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बजट को लेकर निशाना साधा। जिस वक्त बनर्जी बोल रहे थे, तब पीठासीन अधिकारी के तौर पर दिलीप सेकिया आसीन थे, लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो बिरला आसन पर आ गए, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आप भी देखिए। ट्रूथ इज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑन बोरोड टाइम, यू ऑल आर ऑन बोरोड टाइम, मार्क माय वर्ड्स। एंड आई वुड लाइक टू एंड बाय सेइंग, थोड़ा सबर रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। थैंक यू सर। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने चर्चा के दौरान 2016 में की गई नोटबंदी का जिक्र किया, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पर बात करें, क्योंकि 2016 के बाद तो काफी समय निकल गया। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोई पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की बात बोलेगा तो आप कुछ नहीं कहेंगे, और मैं 2016 की नोटबंदी की बात कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि वर्तमान बजट पर बोलिए। सुनिए। काउंट ऑफ इट नोट्स इंक्रीज बाय 10.7% इन 22 विद फेक 500 रुपीस नोट राइजिंग टू 101.93% एंड 2000 रुपीस नोट बाय 54%। सैडली 130 फेलो इंडियंस लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू हीट एंड द स्ट्रेन ऑफ स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माने सदस्य, T for please. Tragedy. माने सदस्य, T for tragedy. माने सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात लोग बोलेगा। सर, सर जवाहरलाल नेहरू का बात लोग बोलेगा। कोई साठ साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। मैं 5 साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको शुभ रहे। वाह सर, वाह, बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। बता दे, इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने अपने संबोधन में बजट को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा, जिस पर सत्ता पक्ष विशेषकर बंगाल के बीजेपी सांसदों की ओर से प्रतिक्रिया आई, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने भी सरकार को आड़े हाथों ले लिया और इस दौरान उनकी बहस अध्यक्ष ओम बिरला से हो गई। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।